वेलकम बैक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि डेप्यूटी कमिश्नर जिला वस्ती तहा सलीम की ज़ेर सदारा इजलास का इनेकाद किया गया, जबकि मुहर्रम हराम के हवाले से इंतजाम का जायजा भी लिया गया। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा K21 न्यूज़ तारिक आज़मी। तारिक, बताएगा कि इजलास में क्या क्या फैसले किए गए हैं, किस तरीके से मुहर्रम हराम में अज़ादारों को रिलीफ फराहम किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए, मैं आपको तफसीलात से आगाह करते चलूँ कि जो है मुहर्रमुल हराम से कबल जो है वो इंतजामिया काफ़ी मुतारिक किरदार अदा कर रही है। आज हमने देखने में आया, इससे कबल भी जो है वो मुख्तलिफ अदवार में जो है वो मुख्तलिफ इजलास का इनेकाद होता रहा। आज जो है वो इजलास रखेगा डेप्टी कमिश्नर ऑफिस में, फिर उसके बाद जो है वो डेप्टी कमिश्नर वेस्ट के ऑफिस में जो है वहाँ पे जो है वो तमाम चीज़ें जितने भी मुंतजमीन थे अदादारी के हवाले से और जितने भी जो है वो तंजीमें थी उनके सदर ने जो है वो शिरकत की। उसके बाद जो है वो उनकी जानब से जो है ब्रीफिंग हासिल की गई है, किन मसाइल का सामना है उन लोगों को, किन मसाइल का सामना है वो देखा गया। सिक्योरिटी बल्दियाती सहूलियात के हवाले से जो है वो बातचीत दी गई तमाम मुंतजमीन ने। इमाम बारगा के जो मुंतजमीन है उनकी जानब से जो है वो आगाही फराम की गई कि किन किन जगहों पर जो है वो क्या क्या मुश्किल का सामना है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात कर ली जाए, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की बात कर ली जाए तो डेप्टी कमिश्नर ने जो है वो तमाम मुंतजमीन को, इमाम बारगाह के जो मुंतजमीन है जो तंजीमों के अहदेदारान थे उन्होंने शिरकत की थी। उसके बाद जो है वो उनकी जानब से जो ब्रीफिंग हासिल की गई उसके ऊपर जो है वो फौरी तौर पर जो है वो अफसरान को जो है वो हिदायत जारी की गई कि जो है वो किसी भी सूरत किसी भी किस्म की जो है वो कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो है वो तमाम चीज़ों को जो है फॉलोअप किया जाए, क्योंकि जो है मुतवक्का बरसात भी जो है वो मुहर्रमुल हराम के दौरान होगी। तो जो है वो वाटर एंड सैवरेज बोर्ड के अफसरान के तो पहले ही वहाँ पे जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी और आज फिर जो है वो उनको दोबारा यकीन तैयारी करा दी गई है कि डी वाटरिंग पंप जो है उनको जो है वो सही रखा जाए, उनको जो है वो ऑन फील्ड रखा जाए। अफसरान जो है उनकी छुट्टियाँ जो है वो मंसूख कर दी गई हैं और जो है ताकि जो है वो अज़ादारान जो है वो अज़ादार इमाम हुसैन जो है वो सुकून से जो है वो किसी भी बल्दियाती सहूलत की वजह से जो है वो किसी परेशानी का सामना ना कर सके। फिर उसके बाद जो है वो डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल के वहाँ पे जो है वो इजलास हुआ तो उसके अंदर जो है वो सिक्योरिटी प्लान के बारे में जो है बात की गई। सिक्योरिटी प्लान के बाद जो है वो डेवलपमेंट के वर्क के ऊपर, क्योंकि जो आज़ादारी के रूट्स हैं जो रूट के मजालिस के रूट्स हैं उसके ऊपर जो है वो क्या क्या इंतजाम किए गए उसके ऊपर ब्रीफिंग हासिल की गई। कुछ जगहों पर जो है वो बताई बताई का सामना था जिसकी वजह से जो है वो डिप्टी कमिश्नर ने जो है फौरी तौर पर अहकाम दिए कि जो है तमाम चीज़ों को जो है वो फौरी हल किया जाए और ताकि जो है वो आवाम से की जो है वो परेशानी का सबब ना कर सके। इजलास के अंदर जो है तंजीम आज़ादारी की जो है रजिस्टर के सदर है सैयद गुफरान मुस्तफा, उनकी जानब से भी जो है वो ब्रीफिंग दी गई कि जो है वो इन जगह जितने भी मसाइल हैं उनको जो है वो डिप्टी कमिश्नर की जो है वो आगाही में लाया गया और बताया गया कि इन इन इश्यूज की वजह से जो है परेशानी का सामना था जिसकी वजह जिसके बाद जो है वो डिप्टी कमिश्नर ने जो है तमाम लोगों को अहकाम जारी किए कि जो है फौरी तौर पर जो है इन चीज़ों को जो है वो सही किया जाए। जिस तरह पूरे साल जो है वो तरक्याती काम होते हैं, आवाम जो है वो परेशानी के सामना करना पड़ता है इसकी वजह से जो है वो आज़ादारी के रूट के ऊपर भी जो है मजालिस के जो जुलूक के रूट हैं उसके ऊपर भी जो है काफ़ी किस्म की जो है मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो तमाम इजलास दोनों इजलास के अंदर जो है वो रेंजर्स के हुकाम, पुलिस के हुकाम, वाटर एंड सैवरेज बोर्ड के हुकाम, की इलेक्ट्रिक के हुकाम तमाम लोगों ने और मुतालिका चेयरमैन जो मुंतखब हुए थे उन चेयरमैन ने जो है वो वहाँ पे जो है वो मौजूद थे और उनकी जानिब से भी जो है क्योंकि इस बार जो है वो मुहर्रम हराम की जो है ज़्यादातर बल्दियाती इकदाम हैं वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने करने हैं तो जिसके बाद जो है वो उन चेयरमैन की जो है उनकी जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि तमाम काम जो है वो बर वक्त मुकम्मल। बताएगा कि सिक्योरिटी के कितने अहलकार तैनात किए जाएंगे जुलूसों के गुजरगाहों पर? बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ की 5000 के करीब जो है वो मुख्तलिफ अजला के अंदर जो है वो मेन जुलूस जो है वो नुमाइश पे निकलता है। नुमाइश से जो है वो नुमाइश से होता है वो खारादर जाता है, वहाँ पे जो है वो 5000 से ज्यादा जो वो अहलकार तैनात किए जाएंगे। हर इमाम बारगाह के पास जो है वो एक मोबाइल जो है वो तैनात की जाएगी और उनका जो है इमाम इमाम बारगाह के जो मजालिस का जो रूट होता है उसके ऊपर जो है वो स्काउट का हमला भी जो है वो तैनात रहेगा। अच्छा तारिक, बताएगा कि कौन कौन से रूट्स बंद किए जाएंगे, क्या रोड प्लान क्या तरतीब दिया गया है? आज बिल्कुल होगा, मैं आपको बताऊं कि रूट प्लान तो अभी तक जारी नहीं किया गया लेकिन जो मुंतजमीन की जाने से रूट मैप जो दिया गया है उसके अंदर जो है वो नुमाइश का रूट मेन रूट का कहा गया है जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो मेन शाहरा पाकिस्तान लगती है उसके ऊपर जो है वो मेन जो है जहाँ से जुलूस निकलता है उसको जो है मेन रूट कहा गया है। वहाँ पे जो है वो फौरी तौर पर जो है लाइटों की तनसीब
फौरी पैचिंग वर्क का जो है वो काम की जो है वो अहकाम जारी कर दिए गए। जब डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की बात कर ली जाए तो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का जुलूस होता है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर दाखिल होता है, जिसके बाद वो जो डिस्ट्रिक्ट साउथ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ में कनेक्ट होता है। तो चारों अजला जो है बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है और उनके मुंतजिम उनके जो अहदेदारान हैं, उनके जो डेप्टी कमिश्नर्स हैं, उनके असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उनके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनके ऊपर भारी जिम्मेदारी आई होती है कि उस चारों डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो प्रॉपर काम करें ताकि जो है अहदेदारान को जो है किसी किस्म के जो है वो मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अच्छा तारिक, बताएगा कि सफाई के क्या इंतजाम किए गए हैं, जो इलाके जुलूस जहाँ से गुजरेंगे वहाँ पे सीवरेज के जो मसाइल हैं वो सारे हल कर दिए गए हैं? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को जो है वो अहकाम जारी कर दिए गए हैं, इमरजेंसी वहाँ पे नाफिज कर दी गई है। रूट को जो है वो पहले क्लियरेंस के लिए जो है प्लान मुरतब कर लिया गया है ताकि जो है वो उन जगहों पे जितने भी कचरा पड़ा हुआ है, जितने भी जो है वो सफाई के इंतजाम नाकिस हैं वहाँ पे जो है फौरी तौर पर जो है इंतजाम किए जाएँ ताकि आवाम को जो है वो अजादारों को जो है मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अच्छा तारिक, बताएगा कि डेप्यूटी कमिश्नर ज़िला गरबी ज़ुल्फ़िकार अली मेमन के ज़ेर सदारत मुहर्रम हराम के हवाले से इजलास हुआ है, उसमें तंजीम अज़ा के लोगों को मुतमईन किया गया है, क्या ब्रीफिंग दी गई? ब्रीफिंग मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा इशू जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर तरक्याती काम जो है वो मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर मुख्तलिफ जुलूस के जो रूट प्रोवाइड किए गए हैं उसके ऊपर जारी है, जिसकी जो है वो इमाम बारगाह के मुंतजमीन और मुख्तलिफ जो तंजीम के अहदेदारान हैं उनकी जानिब से जो है वो मुतालबा किया गया है इन रूट को जो है फौरी तौर पर कम्प्लीट किया जाए ताकि जो है वो वहाँ पे जुलूस जो है वो आसानी से गुजर सके और किसी किस्म का सिक्योरिटी रिस्क ना उन इलाकों में हो सके। अच्छा तारिक, बताएगा जो जुलूसों की गुजरगाहें हैं वहाँ पे रोशनी के क्या इंतजाम किए गए हैं? जुलूस M&E का जो डिपार्टमेंट है उसको जो है अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि जो है फौरी तौर पे जो जुलूस के रूट हैं उसके ऊपर जो है वो लाइटों की तंसीब का अमल जो है पहले ही मुकम्मल कर लिया जाए ताकि जो है वो रोशनी के इंतजाम में जो है वो किसी किस्म की जो है वो कोताही ना बरती जा सके। वजीर बल्दियात संगी नासिर हुसैन शाह की जानब से भी जो है वो अहकाम जारी किए गए कि जो है जितने भी पैचिंग वर्क हैं, जितने भी डिवेलपमेंट हैं उन चीज़ों को जो है फौरी तौर पर देखा जाए ताकि जो है वो अदादारों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया तारिक आज़मी, आपने हमें बताया कि मुहर्रम हराम के हवाले से इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और तंजीम अज़ा के रजिस्ट्रेट के सदर सैयद गुफरान मुश्तबा नकवी को भी मुतमईन किया गया है मुहर्रम हराम के इंतजाम के हवाले से। वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह के उर्स की तकरीबात इख्ताम पज़ीर हो चुकी हैं।